कहते हैं कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और इसे सही साबित कर दिखाया है फिरोजाबाद में रहने वाले इस युवा ने। फिरोजाबाद के छोटे से गांव में रहने वाले एक युवा ने भारतीय वायुसेना की परीक्षा पास कर ली है और अब वह भारतीय वायुसेना में एयरमैन की नौकरी करेगा। जी हाँ, वहीं युवा के पिता एक ट्रक ड्राइवर हैं और उसने अपनी लगन और मेहनत से इस सफलता को हासिल किया है। वहीं इस सफलता के बाद उसके परिवार और गाँव में खुशी की लहर है। मेरा नाम मोहित यादव है। कहाँ रहते हो? मैं ग्राम दौलतपुर फिरोजाबाद का रहने वाला हूँ। कौन सी परीक्षा पास की है? मैंने अभी रिसेंटली मैं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना की परीक्षा पास की है। तो ये कि आप जो तैयारी करते थे, कैसे इसकी तैयारी आपने की और कब शुरुआत हुई इसकी और क्या क्या इसमें आपको परेशानियाँ आई? बेसिकली मेरी तैयारी की जो शुरुआत थी वो टेंथ से ही शुरू हो चुकी थी क्योंकि मेरा बचपन से ही सपना था इंडियन एयरफोर्स में जाने का। बट मैं मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। बचपन में बड़ा घर में सबसे बड़ा भी था मैं, तो फादर भी ड्राइवर है मेरे। तो रिसेंटली मैं छोटी सी उम्र में ही क्या कहते हैं बहुत समझदार हो गया था। तो मेरा सपना था कि मुझे जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं मुझे सेटलमेंट होना है और एक जॉब लेनी है अच्छी सी। तो मैंने देखा था कि मेरी जो आर्मी के लिए हाइट नहीं थी, तो फिर मैंने देखा मैं नेवी और एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो मैंने फिर एयरफोर्स का प्रिपरेशन करना शुरू की। तो हालांकि शुरुआत में जब प्रिपरेशन जब कोई बच्चा करता है तो उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब धीरे धीरे हम प्रयास करते रहते हैं तो एक हमारा जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। तो फिर आसानी से मेरे भी साथ ये हुआ। बट जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम दिया था एयरफोर्स का तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, उसमें मैं 0.5 मार्क्स से रह गया। लेकिन पिताजी ने मुझे मोटिवेट किया, उन्होंने कहा बेटा अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। और उन्होंने मुझसे कहा था बेटा तू बस पढ़ाई कर, तेरे लिए जो भी खर्चा होगा वो तो मैं झेल ही रहा हूँ, अब तो यहाँ तक आ गए तो थोड़ा और बहुत सही। तो फिर मैंने उसी लगन से दोबारा के साथ फिर तैयारी शुरू की और सेकंड अटेम्प्ट में मेरा इंडियन एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम था वो क्लियर हो गया। कौन सी पोस्ट मिली है, किस पोस्ट पर ज्वाइन किया? मेरी जो भी पोस्ट है वो एज एन एयरमैन है, बट उसकी जो ग्रेड है वो हमें जाके ट्रेनिंग के दौरान मिलेगी। अभी क्या सपना है अब आगे करने का? मेरा जो सपना है वो आगे एज अ फ्लाइंग ऑफिसर मतलब यानी कि जो हमारे पायलट होते हैं एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले वो बनना है। इसके लिए मैं अभी भी डेली कंटिन्यूस पढ़ाई करता हूँ और मैं इसी पर सर्च करता रहता हूँ कि क्या कैसे कैसे मैं जा सकता हूँ। कैसे तैयारी की आपने इसकी, क्या शुरुआत कैसे होती थी, क्या दिनचर्या होती थी इसकी, कैसे पढ़ाया जाता था? मुझे बेसिकली एयरफोर्स के बारे में टेंथ में पता चल गया था, तो मैंने देखा था कि इसके मैं आता क्या क्या है। बेसिकली मैंने एयरफोर्स एक्स ग्रुप में मैंने जाने का सोचा था, तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप में ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। और इसमें हमें आता है इंग्लिश आती है और मैथ्स और फिजिक्स। तो मुझे पता था कि ये तीनों सब्जेक्ट तो हमारे ट्वेल्थ तक पढ़ाए जाते हैं, तो मैंने मेरा जो पूरा फोकस था ट्वेल्थ में ट्वेल्थ की जो इलेवंथ और ट्वेल्थ की जो फिजिक्स थी और मैथ, इन दोनों पर मेन फोकस रहता था मेरा। तो मेरे इलेवंथ और ट्वेल्थ की जो फिजिक्स और मैथ थे वो काफ़ी अच्छे हो चुके थे और इंग्लिश की मैंने उसके बाद ट्वेल्थ के बाद मैंने एक अकेडमी ज्वाइन की और वहाँ पे मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की कंटिन्यूस एक साल तक और अपनी प्रैक्टिस की डेली। सुबह 4 बजे उठना, फिर रनिंग करने जाना 2 घंटे, वार्म अप जो होता है वो करना, उसके बाद अकेडमी आना, फिर अकेडमी से घर जाना, उसके बाद फिर 4 बजे स्टेडियम जाना, 2 घंटे वर्कआउट वहाँ पे करना, फुटबॉल खेलना, फिर आके स्टडी करना और लेट नाइट तक 10-11 बजे तक स्टडी करना, फिर सुबह उठना। ये मेरी दिनचर्या थी। ये कि आप जो कहीं गाँव आपके परिवार में घर में और कोई हैं गांव में कोई हैं जिन्होंने कोई गवर्नमेंट नौकरी? बेसिकली मेरे पास मामा जी हैं जो इंडियन आर्मी में सेलेक्टेड हुए हैं एज ए उन्हें एक वो कहते हैं सर पोस्ट मेरे ध्यान में नहीं आ रही है वो है। और कोई मेरे फैमिली में ना रिलेटिव्स में ना मेरे खानदान में यहाँ तक अभी तक कोई, बल्कि यहाँ तक कि मेरे गाँव में भी एज एन इंडियन एयरफोर्स अभी तक कोई नहीं गया। क्या माहौल है अब घर पर और क्या कह रहे हैं? घर पे बाकी सब लोग खुश हैं क्योंकि मैं पहला बंदा हूँ मेरे गांव में और मेरे घर में भी जो कि इंडियन एयरफोर्स में जा रहा है, तो पूरा गांव खुश है और घर वाले तो साथ में हैं।